बट आज हम कुछ चीजों को लेके बात करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है उसको फिर से रिपीट करेंगे ताकि आप देख सको कि सच में आपका सेल्फ स्टीम हाई है कि लो है तो चलिए थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात किया है सो वेलकम टू दिस सेल्फ स्टीम डे नंबर वन की कुछ रिकैप अभी होंगे आपके साथ सो so, इसमें हमने पढ़ा था कि सेल्फ स्टीम होता क्या है सेल्फ स्टीम आप अपने बारे में क्या सोचते हो आप अपने को कितना रेस्पेक्ट करते हो आप अपने बारे में कितना जानते हो सो वट यू आर और ये सेल्फ स्टीम तैयार कैसे होता है आप अपने लाइफ में जितने भी लोगों से मिले हो जित नो you know, लोगों ने आपको जो भी बोला है तुम ठीक हो तुम ठीक नहीं हो यू कैन डू इट यू कान डू इट बहुत लोगों ने हमें ना बहुत ज्ञान दिया है तो उसी ज्ञान को ना हमने अपना सब कुछ मान लिया और जिसने भी बोला तुमसे नहीं होगा हमने मान लिया भाई नहीं होगा वो तो बोल रहा है मेरा पिताजी बोल रहा है वो तो मेरे से बहुत बड़े हैं वो अगर बोल रहे हैं तो जरूर मुझ में कुछ कमियां जरूर होंगी सच में मैं शायद नहीं कर सकता तो चाहे वो हमारे लाइफ में कोई ना कोई आके ना कुछ ना कुछ देखे ही गया है अगर अच्छा दिया है देन ऑफ कोर्स वी आर डूइंग गुड अगर कुछ गलती से भी कोई खराब चीज दिमाग में घुसा दी गई है देन वो उसका असर तो होगा जैसे एक चीज मैं बताऊंगा जैसे मैंने बोला भी था मेरे मेरे दादाजी ना मुझे बहुत स्टोरी सुनाते थे मुझे बहुत कुछ बोलते थे उनको भी नहीं लगा कि उन्होंने गलती से मुझे एक ऐसा चीज बोल दिया जिससे मेरे लाइफ में आई स्टार्टेड यू नो बहुत डरने लगा जैसे एक चीज उन्होंने बोली थी कि बेटा बहुत जोर से बारिश हो रही है अगर यू नो बाढ़ आ गया तो क्या होगा हम लोग डूब जाएंगे और तब मैं इतना छोटा था ना इतना दिमाग नहीं लगाया मेरे दादाजी ने बोला अरे यार बहुत बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगी तब तो हम लोग मर जाएंगे तो मैं डर गया और वो डर मेरे बहुत मतलब अभी भी जब बारिश होता है ना मैं डरता नहीं हूं लेकिन वो कुछ सेकंड के लिए ना वो बात मेरे दिमाग में आ जाती है कि अगर बहुत बारिश हुआ तो फिर मैं सोचता हूँ नहीं 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 यार क्या सोच रहा हूं मैं लेकिन कहीं ना कहीं तो वो बात मेरे जहन में बैठ गई है अभी मैं समझ चुका हूं कि चीजें क्या हो सकती है नहीं हो सकती लेकिन लाइफ में ये तो छोटी सी चीज है बाढ़ का होना यू नो हम उस उसपे पॉसिबिलिटी निकाल सकते हैं कि सच में ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज है जो आज भी हमें लगता है कि अगर ऐसा हो जाए यू you नो know, आज सोचो आपके अगर कोई रिलेटिव आपको फोन नहीं करते हैं या आपका कोई दोस्त आपको फोन नहीं करता है तो सबसे पहले आप क्या सोचते हो क्यों फोन नहीं किया जरूर उसको मेरे में और मन नहीं है सबको बात मुझसे उसको कुछ चाहिए नहीं देर कुड बी एनी थिंग आप खुद के बारे में सोचोगे यू थिंक नेगेटिव अबाउट यूर सेल्फ या तो आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे कि वो ठीक नहीं है talks about, you know, जो भी हो जाए मैं अपने आप को कभी गिरने नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे से गलती हो सकती है खराब लग सकता है रो सकता हूं लेकिन मैं अपने आप को कभी नीचा नहीं फील करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए अच्छा आप कैसे समझोगे कि कोई बहुत हाई सेल्फ स्टीम का बंदा है या बंदी है सो so, आप देखोगे वो लोग को ना लोगों से मिलने में बहुत मजा आता है दे लव पीपल उनको लोगों में ना मजा आता है लोगों से बात करना हाय हेलो दे दे लव पीपल डोंट वरी अबाउट हाउ अदर्स विल जज देम उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं दे लव पीपल एंड उनको लगता है कि आई एम ऑल्सो गुड यू आर ऑल्सो गुड आप मेरे बारे में अच्छा सोचते हो तो अच्छी बात है अगर खराब सोचते हो तो वो आपकी आपकी बात है अगर मैं या आप मुझे बोल सकते हो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ लेकिन ज़रूरी नहीं कि मैं आपको लेके इतना सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे आई रियली डोंट केयर हाँ अगर मुझे इम्प्रूव करनी है डेफिनेटली आई वर्क ऑन इट बट उसको बारे में मैं ज्यादा नहीं सोचूंगा यू you नो know, ये लोग जो हाई सेल्फ स्टीम के होते हैं ना दे ऑलवेज एक्सप्रेस वो अपने आप को काफी अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं उनके दिमाग में जो भी चलता है ना वो बोलते हैं ना कि सिर्फ ये दे लिव यू नो आर विद न्यू चैलेंजेस एक्शन एंड उनके लाइफ में हमेशा होता है कुछ ना कुछ नया जरूर होता है दे एंजॉय देयर लाइफ एक पता है जो लोग हाई सेल्फ स्टीम के होते हैं ना लोग उनसे मिलना चाहते हैं लो, लोग लोगों को लगता है यार वो नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा देयर आइडियाज आर मेट विस्ट बिकॉज अदर्स वॉन्ट टू हियर वर्ड दे है लोग उनको सुनना चाहते हैं आप सोचो क्या आपको लोग सुनना चाहते हैं आप कहीं पे भी जाते हो लोग बोलते हैं कि अरे यार तुम आ गए अगर ऐसा नहीं है तो आपको वर्क करना पड़ेगा अपने आप में दे आर मैग्नेट्स टू पॉजिटिव ऑपरचुनिटी ये लोग जो हाई सेल्फ स्टीम के इंसान होते हैं उनके लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा ही होते रखता है कुछ अच्छा ही होता है आपको क्या लगता है आपके लाइफ में जो भी होता है अच्छा होता है आप अपने आप को लकी मानते हो और हमेशा कोसते हो ऊपर वाले को कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाई मी गॉड सोचिए इस बात को हाँ पीपल विथ हाई सेल्फ स्टीम है हमेशा लगता है मैं कर सकता हूं आई कैन डू इट कुछ भी मेरे लिए नामुमकिन नहीं है आई कैन डू आई थ आप चलिए देखते हैं जो लोग लो सेल्फ स्टीम के होते हैं उनका सोच कैसा होता है आप पिक्चर में देख ही सकते हो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाते हैं अरे यार मेरे से नहीं होगा यार आई कान डू इट दे डोंट बिलीव इन देंस उनको ना अपने पे भरोसा नहीं है कि वो लोग कर सकते हैं उनको लगता है अच्छा है बट मेरे से नहीं होगा मैं इतना टाइम नहीं दे सकता मेरे से होगा नहीं अगर फेल हो गया तो बहुत लोग हैं जो आज जॉब में है लेकिन उनको हमेशा लगता है नहीं मेरे को ना कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट है मुझे डांसिंग में बहुत इंटरेस्ट है कुछ अपना करना चाहता हूं लाइफ में आई वॉन्ट टू डू समथिंग ऑफ ओन बट इफ आई फेल आई विल लीव माई जॉब बट इफ आई फेल आई नो आई कैन डांस एंड आई कैन हेल्प पीपल टू डांस बट इफ आई फेल अगर लोग मेरे पास आए नहीं तो दे नेवर बिलीव दम सेल्फ दे सी देम सेल्फ फेलिंग बिफोर दे बिगिन वो पहले ही सोच लेते हैं कि मैं तो नहीं बढ़ सकता आई कान डू दिस है प्राइस फॉर एवर हो सकता है कभी कभी ना हम लोग कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि खुद की कॉन्फिडेंस गिर जाती है खुद अपने आप को ना हम डिस करते हैं मैंने ऐसा क्यों किया ठीक है वो फील होता है कभी कभी लेकिन समय के साथ साथ वी हैव टू गो अहेड अभी भी वो कुछ लोग हैं दे हो सकता है उनको उन्होंने गलती दस साल पहले की हो अभी भी अपने आप को कोसते हैं वाई डिड आई डू दैट वाई डिड आई डू दैट दे बिलीव दे कैन नेवर बी एज गुड एज दे शुड बी और एज अदर्स मैं उससे अच्छा नहीं हो सकता मैं अपने बहन से अच्छा नहीं होता मैं अपने भाई से अच्छा नहीं होगा लोग तो मुझे बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता इमेजिन यार एवरी टाइम दे थिंक दे कान डू इट दे आर अफ्रेड टू शो देर क्रिएटिविटी बिकॉज दे विल बी रिडिक्यूल्ड उनको लगता है कि मैं कुछ कर तो सकता हूं लेकिन अगर नहीं कर पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे मतलब अभी तक कुछ किया नहीं है उनको लगता है कि वो कर सकते हैं और करने के पहले ही रुक जाते हैं बिकॉज दे फील दैट दे कानू एनी थिंग आई अबाउट किसके साथ होता है आप पहले अपने बारे में सोचिए क्या आप लोग जो मेरी बातें सुन रहे हो कि आपके साथ ऐसा होता है अगर ऐसा आपके साथ होता है इट मीन्स कहीं ना कहीं एक लो सेल्फ स्टीम है दे आर विद विदर लाइफ उनको लगता है कि दे आर नॉट हैप्पी आई एम नॉट हैप्पी आई एम नॉट हैप्पी आप सोचो आर यू a happy पर्सन थिंक अबाउट इट दे स्पेंड मोस्ट ऑफ दैट टाइम अलोन उनको ना अकेला रहना पसंद है उनको लगता है कि मैं सबके साथ नहीं रह सकता यू you नो know, सब इतने खुश है मैं इतना ना खुश हूं दे कम्प्लेन एंड क्रिटिसाइज वो वो लाइफ में और कुछ कर नहीं सकते उनको लगता है कि यार ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं बिकॉज दे थिंक कि दे कांट डू एनी थिंग इसीलिए दे ऑलवेज फील नॉट गुड दे वरी अबाउट एवरी थिंग एंड दे डू नथिंग सब सोचते हैं यू नो वरी करते हैं लाइफ में बट कुछ करते नहीं है बस वरिंग तक रहता है उसके बाद दे स्टॉप दे ऑलवेज फील आई कान डू इट आई कानू इट एक पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम नॉट अलोन बिकॉज आई एम नॉट अलोन बिकॉज लोनलीस इज ऑलवेज विथ मी कितना नेगेटिव हो सकता है बोला मैं अकेला नहीं हूं क्योंकि अकेलापन मेरे साथ है वाव

ये नो कहते हैं एक शेर अर्ज करूंगा बहुत दिन चला था किनारे किनारे अब जी चाहता है कि मौजों से खेलू बहुत दिन अपने सेल्फ को हमने डाउन किया कॉन्फिडेंस को डाउन किया अब समय आ गया है थोड़ा आगे बढ़ने का नो समय आ गया है थोड़ा लोगों से हट के अपना एक पर्सनैलिटी बनाना कैसे अगर आप लोग में ऐसा लगता है ना लोगों को इफ यू थिंक दैट यू आर अ वाइफ और यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू नो अब आप इतना चेंज करके लाइफ में क्या करोगे स इज नॉट फॉर यू समीपल से सर ठीक है अभी तो मैं पापा बन गया हूं मम्मी बन गया हो अब ये सब करके क्या फायदा इंग्लिश सीख रहा हूं जॉब के लिए अब सेल्फ स्टीम अगर लो हो हाई हो क्या फर्क पड़ता है बॉस इफ योर सेल्फ स्टीम इज हाई इट इज गोइंग टू एफेक्ट योर चिल्ड्रेन इफ योर सेल्फ स्टीम इज लो इट इज ऑल्सो गोइंग टू एफेक्ट योर चिल्ड्रेन मैंने देखा है जिनके मम्मी पापा कॉन्फिडेंट होते हैं उसके बच्चे कॉन्फिडेंट होते हैं मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ जिनके मम्मी पापा डाउट होता डाउटफुल कर पाऊंगा मैं कर पाऊंगी उसका बेटा बेटी जब आता है है ना तो उसको वही बोलता है, तू कर पाएगी अरे वो ऐसा ही है तो सामने वाले को तो ऐसा ही बोलेगा इट कैन हैपन तो बात भाई अपने लिए ना सही अपने फर्दर जनरेशन के लिए तो सोचिए आप नहीं चाहते अपना सेल्फ स्टीम हाई करना चलो मान लिया लेकिन आप नहीं करोगे तो what will happen to your surroundings aap kahin pe bhi jaoge how people will see you so guys this is the time when we should think about this this is very important so let's go guys uh, वैसे तो हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमने यहां पे दिया है जो आपके लाइफ में चेंज ला सकता है लेकिन ऐसा बात नहीं कि जो आप आज सीखोगे या अगले कुछ लेसंस में सीखोगे वही सब कुछ है ऐसा बात नहीं है लेकिन मैंने कुछ You know, चुनिंदे चुनिंदे को मैंने रखा है जो इजी हो और आपको अपनी बात बता रहा हूँ आई एम आ ट्रेना लोग मुझे इज्जत करते हैं रेस्पेक्ट करते हैं मेरी फैमिली को भी अच्छा लगता है यार मेरा बेटा ट्रेनर है बट यू नो मिस्टेक मेरे से कुछ एक गलती हो गई आई ऑलवेज फील सो गुड एंड यू नो हाईली पॉजिटिव अब देखो भाई इंसान है गलती तो कर ही सकते हैं गलती हुई एंड रियली आई टेलिंग मेरा जो सेल्फ स्टीम था ना उसका पूरा धज्जिया उड़ गया मैं अपने आप को इतना हमेशा खुश मानता था एक टाइम पे एंड यू नो आई यू टू फील एंड वेन आई डिड दैट मिस्टेक मुझे पता था कि वो मिस्टेक है यू शुड नॉट डू दैट बट पता नहीं मेरे से कैसे वो गलती हो गई आई डिड दैट एंड वो मेरे सेल्फ स्टीम को बहुत ज्यादा हर्ट किया इतना हर्ट किया कि देर आर सो मेनी पीपल दे स्टार्टेड पॉइंटिंग फिंगर्स ऑन मी एंड दे सेड मेनी थिंग्स ऑन मी जो मुझे कुछ बोलते नहीं थे वो भी मेरे में मेरे को बहुत कुछ बोलने लगे तुम तो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो मैं सुना क्योंकि मैं हकदार था उसका मैंने गलती की थी एंड मुझे सुनना था बहुत लोग गलती करते हैं ना और वो लोग एडमिट नहीं करते और दूसरे लोग जब बोलते हैं ना तुमने गलती की तो बोलते हैं नहीं मैंने तो गलती नहीं की दिस इज नॉट हाई सेल्फ स्टीम हाई सेल्फ स्टीम का पहला पार्ट है अगर गलती आपने किया है तो यू हैव टू एडमिट है जब लोग आपको बोलेंगे कि तू गलती किए हो तुम ये हो तुम वो हो सुनना पड़ेगा बस अगर आप सच में आपको लगता है कि यू वॉन्ट टू कम आउट फ्रॉम यूर प्रॉब्लम यू हैव टू लिसन बिकॉज गलती आपने की है यू हैव टू लिसन दैट सो so, मैंने भी वही की मुझे बहुत खराब लगा मुझे भी लगा कि मैं जवाब दू हाउ कुड दैट पर्सन टेल मी ऑल दिस लेकिन मैंने नहीं बोला बिकॉज आई नो यार गलती भी करूं और बोलू कि क्यों बोल रहे हो सो so, मैंने गलती को मानी और सबसे पहला चीज क्या किया मैं बता रहा हूं जो आज का सबसे पहला पॉइंट है हो सकता है वो उसने मुझे बचाया और मैं जो अपना मैं जो इतना नेगेटिव सोच रहा था मैं अपने आप को इतना नीचा सोच रहा था मैं अपने आप को फिर से रिवाइव किया फिर से फिर से इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मैं हमेशा से बहुत पॉजिटिव था मुझे कभी नहीं लगा कि मेरी सेल्फ स्टीम भी गिर सकती है लेकिन मैंने बताया ना गलती हो गई मेरी सेल्फ डाउन हुई पता नहीं था कि मैं उठ पाऊंगा कि नहीं बट मैंने सबसे मैंने जो सीखा अपने लाइफ में मैंने उसे इंप्लीमेंट किया जो और हमारा पहला पॉइंट है जो मैंने किया और मैंने आपको अपने आप को रिवाइव किया और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए एंड दैट इज माई डियर फ्रेंड माफी मांगना था, माफी मा, मांगा वो तो पहला चीज था एडमिट भी किया गलती है जब सबको सॉरी बोल दिया उसके बाद जब अकेला था आई फॉर्गेव माई सेल्फ मैंने गलती किया इस गलती के साथ मैंने फील भी किया मैंने आई सफर्ड अलॉट अब ये सफरिंग के साथ मेरे को आगे नहीं रहना है आई फर्गिव माई बोला सुभाष होता है यार गलती होता है लाइफ कोच हो मतलब क्या तो भगवान हो गया क्या गलती तू भी कर सकता है राइट हमेशा अपने आप को ऊंचा नहीं कर सकता गलती हो सकती है तो फर्गीव जैसे मैं फर्गिव किया ना पता नहीं अचानक से स्माइल आने लगा स्माइल आने लगा स्माइल आने लगा एंड आई फेल्ट गुड यस अब लग रहा है कि आई एम ब्रीदिंग आप अपने आपको माफ नहीं कर पा रहे हो द रीजन इज आप ही नहीं कि आपने गलती किया है फर्स्ट एडमिटेड अगर गलती किया है बहुत लोग बोलते हैं मैंने गलती किया है तो उसने भी तो गलती किया था बॉस बात आपकी सेल्फ स्टीम की हो रही है कौन गलती किया है वो बात की बात है पहले अपने को बचाओ लोग एक्सीडेंट से बच सकते हैं लेकिन जिसका सेल्फ स्टीम एकदम नीचे हो जाए ना वो सुसाइड करके मर जाएगा मैं क्या बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू हैव लो सेल्फ स्टीम यू नो यू कैनॉट लिव योर लाइफ एवरी टाइम यू विल क्राई एवरी टाइम यू विल फील सो सैड सो इस वेरी इंपॉर्टेंट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आई फोरगिव माई सेल्फ फोरगिव योर सेल्फ फॉर योर पास मिस्टेक आपको कौन माफ करेगा नहीं करेगा वो बाद की बात है सबसे पहले ही, अगर आपको रियलाइजेशन है कि आपने गलती किया है ज़माना आपको forgive नहीं करेगा लेकिन यू हैव टू फॉरगिव योरसेल्फ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो आई बिलीव अगर आपने गलती किया है तो जब तक हम नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे आप अपने आप को माफ कर ही दोगे अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आज सीख गए सर कल माफ करेंगे तब हो गया मेरा तब भाई अभी निकल जाओ आप लोग क्योंकि क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है ये फर्स्ट स्टेप में अगर आपको लग रहा है कि यू कांट फॉरगिव योरसेल्फ फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे फिर सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट दिस आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू बिकॉज यू हैव नॉट फॉरगिवन गिवन योर सेल्फ फर्स्ट पॉइंट इज फॉर गिव ये नहीं होगा तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते इतना आसान नहीं है लेकिन मैं बोलू आसान क्या तरीका है अगर गलती हुई है सामने वाले को सॉरी बोलिए रियलाइज कीजिए अच्छे से अच्छे से रोइए क्राई कीजिए इफ यू फील लाइक क्राइंग फिर आराम से दो चार बार यू एकदम थोड़ा डीप ब्रीदिंग करके अपने हाथ को ऐसे करके बोलिए अपना नाम लीजिए यस हो सकता है यार इट इज हैपनिंग यू नो नो इट डोंट वरी अभी भी अगर हो तो कैमरा बंद करके अपने को बोल सकते हो हम लोग नहीं देखेंगे ठीक है चलो कोई बात नहीं लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट बट नेक्स्ट में जाने से कुछ फायदा नहीं अगर ये फर्स्ट पॉइंट में आप आगे नहीं बढ़ पाए तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सो देर आर थर्टीन स्टेप ऑफ हाई सेल्फ स्टीम ऐसा नहीं कि थर्टीन ही है उससे ज्यादा भी है लेकिन ये फर्स्ट वाला मेरा फेवरेट है क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके लेट्स गो फॉर द स्टेप नंबर टू चेंज योर फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव्स

वेर एवर यू आर जस्ट सी इन यू नो सराउंडेड टू यू हाउ मेनी रेड कलर ऑब्जेक्ट आर देर आप जहां पे भी बैठे हुए हो वहां पे आमने सामने कितने रेड कलर की चीजें हैं एक बार अच्छे से देखो रेड कलर रेड कलर अपने घर पे आप जहां पे भी हो सी कितने रेड कलर हैं और चैट uh, बॉक्स में लिखिए कि कितने रेड कलर हैं प्लीज प्लीज सारे देखो रेड कलर रेड कलर आप आपकी आंखों में कौन कौन से रेड कलर झलक रही है नाउ आई वॉन्ट कि प्लीज क्लोज योर आईज आप कहीं पे भी हो अपने आंखें क्लोज करो एकदम जेनविन लिया आई नो आप लोग में बहुत लोग छोटे छोटे करके देखोगे प्लीज क्लोज योर आईज पहले तो क्लोज करो और जो तो ऐसे भी कैमरा ऑफ करके हैं उनको तो मैं ऐसे भी नहीं देख रहा हूं लेकिन अपने लिए सही क्लोज योर आईज एंड इमेजिन प्लीज क्लोज योर आईज एंड इमेजिन आपने कितना ब्लू कलर देखा होगा क्लोज योर आइज एंड इमेजिन हाउ मेनी ब्लू कलर यू हैव सीन हाउ मेनी ब्लू कलर जब आप रेड को देख रहे थे भाव कितने आपने रेड कलर को देखा होगा कुछ लोगों के दिमाग में आ ही नहीं रहा है थिंक अबाउट इट ओके प्लीज ओपन योर आइज प्लीज ओपन योर आइज वट आई मीन टू से जब आप रेड को देख रहे थे ब्लू भी तो था लेकिन आपने ब्लू को देखा नहीं आपका फोकस रेड में था वट आई मीन टू से ट्राई टू अंडरस्टैंड वेन यू आर फोकसिंग ऑन रेड आपका आप बहुत ब्लू के साइड से गुजर गए लेकिन रेड को देखे क्योंकि आपका फोकस रेड में था अभी जब आप ब्लू को इमेजिन कर रहे हो बहुत लोग नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं कि आपके सामने ब्लू नहीं है अरे ब्लू तो मेरे टी शर्ट भी ब्लू है लेकिन बहुत लोगों को नहीं दिखा अभी भी बहुत लोग बोल अरे हाँ आपका भी तो ब्लू है क्योंकि आपने फोकस ही नहीं किया मेरे टी शर्ट को तो जरूरी नहीं कि जो दिखता है वो हमें जो रहता है वो दिखता है जो हम देखते हैं वही होता है मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं हमें लगता है कि जो होता है हम वही देखते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हम जब देखते हैं तब वो चीज होती है आप मेरे मैं तो शर्ट पहना ही हुआ था लेकिन आपने फोकस अभी किया जब मैंने अपने शर्ट के बारे में बोला राइट right? इसका मतलब क्या है आपका फोकस कहीं और था आप सुनने में फोकस थे सो so वही बात हो सकता है कि यू आर फोकसिंग ऑन नेगेटिव सो मच कि सामने पॉजिटिव है आपको दिख नहीं रहा है और आज तो वो साबित भी हो गया ब्लू था लेकिन आपको तो रेडी दिख रहा था हर जगह ब्लू तो दिखा ही नहीं सो दिस इज अ फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर ऑलवेज देयर जब मुझे बहुत खराब लग रहा था तो मैं भी सोच सकता था बहुत कुछ लेकिन मुझे लगा कि नहीं मुझे तो भाई मैं ऐसे जी नहीं सकता आई हैव टू आई हैव टू बी लाइक अ लाइफ कोच मैं खुद को अगर नहीं उठा पाऊंगा तो मैं लोगों को कैसे उठाऊंगा तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले अपने आप को फर्गिव करूंगा तो नेगेटिव के बीच में भी मैंने पॉजिटिव को सिलेक्ट किया बिकॉज मुझे रहना है लाइफ में हंस के खुशी से रहना है लाइफ में और खुशी बांटना है एंड हमेशा मस्त रहना है ये मेरा सिलेक्शन था अब कुछ लोग सिलेक्ट करते हैं नहीं मुझे दुखी रहना है मैं लोगों को दुखी करूंगा यू नो दे फोकस ऑन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द लाइफ सो हर चीज लाइफ में है इवन बहुत लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है ये तो और एक प्रॉब्लम है यू नो सो मेनी पीपल से आई डोंट हैव मनी मेरे पास पैसा रहता ही नहीं है यू नो आई डोंट हैव मनी आई डोंट हैव मनी मनी करते करते वो मनी है भी लेकिन दिखता नहीं है उनको नो you know? सो so, देखो मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे पास नहीं है उससे कुछ फायदा ही नहीं है बट अगर मैं इट्स ओके आई एम ऑलवेज वेरी लकी अबाउट मनी यू नो जब भी जरूरत पड़ता है मेरे को मेरे पास आ जाता है पता नहीं कैसे लेकिन आ जाता है मैं बहुत लकी हूँ मनी के बारे में तो मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन मैंने एक बार भी नहीं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है आई सेड सो गाइज हर एक इंसान के लाइफ में नेगेटिव पॉजिटिव होता है बट यू नो द टाइम एज कम दैट चेंज योर फोकस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर थ्री लर्न टू से नो वेन यू वॉन्ट टू से नो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लर्न टू से नो वेन यू वॉन्ट टू से नो जब आप ना बोलो ना ना बोलने का आपका विचार हो तो बोल दिया करो वेट मत करो कि नहीं मेरे से ना नहीं होगा बहुत लोग हैं जो ना बोलना चाहते हैं ना बोल ही नहीं सकते क्यों नहीं बोल पाते पता है क्योंकि उनको लगता है कि मैं अगर ना बोलू तो सामने वाले को खराब लगेगा और सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए अपने सेल्फ स्टीम का धज्जिया उड़ा देते हैं ये लोग गुड बॉय या गुड गर्ल बनने के चक्कर में सामने देखो उनको लगता है कि अगर मैं बोलू नहीं तो सामने वाला मेरे को खराब सोचेगा सोचेगा कि मैं उसके बारे में सोचता नहीं हूं एक एग्जाम्पल देता हूँ चलो एग्जाम्पल से लोगों को समझ में आता है बहुत अः uh, इतने एग्जाम्पल कौन सा दू वही समझ में नहीं आ रहा ओके okay, एक बार मेरे uh, मेरा एक दोस्त था मेरा दोस्त आया मेरे पास वो एल में जॉब करता था मेरा बेस्ट फ्रेंड है था नहीं बोलूंगा उतना हमारे बीच अभी बात नहीं होती बेस्ट फ्रेंड है अभी एल में काम करता है एक दिन मेरे पास आया सुबह आज कैसा चल रहा है तुम तो एकदम बहुत अच्छा कर रहे हो अच्छा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का क्या है मैं बोला हाँ है इन्वेस्टमेंट तो बोला यार मेरा एक टारगेट है एल एक कर दो ना भाई महीने का एक हजार कर दो बस चलेगा लेकिन मेरा सैलरी नहीं आएगा रे मैं बोला सॉरी यार बट मैं मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लग, प्लीज ला प्लीज सुभाष प्लीज यार प्लीज तेरा तू देख तू ही एक मेरा एक दोस्त है तू नहीं करेगा ना मेरा सैलरी एक्टिव नहीं होगा मेरे को सैलरी नहीं मिलेगा मैं बोला ठीक है बट प्लीज मैं अभी मै, मेरा इन्वेस्टमेंट मतलब वो रब, बस एक हजार का है भाई एक हजार का बात नहीं है माई इन्वेस्टमेंट इज डन भाई मतलब भाई बोल रहा है तू एक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता देख भाई तू अगर नहीं करेगा ना तो आज से तेरा मेरा फिर हम तो तेरे पास और कभी नहीं आएंगे मान मतलब आप विश्वास नहीं करोगे अंदर से ना मैं रो रहा था मेरे को लग रहा था कि जितना जल्दी उसको मैं एक हजार का एक चेक दे दू एक ही हजार का तो बात है यार बट ट्रूली मुझे लगा कि मैं किसी को खुश करूं क्यों किसी को खाना खाना है उसके पास पैसा नहीं है चलो भाई खाना खिला दिया वो अलग बात है बट मेरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है मेरे को उसको ना बोलना है आई हैड टू से नो लेकिन बहुत लोग हैं जो नो no नहीं बोल पाते सम पीपल दे कांट से नो उनको लगता है अगर मैं ना बोलूंगा तो मेरा दोस्त छोड़ के चला जाएगा इफ आई से नो मेरा दोस्त मुझे सेल्फिश बोलेगा इफ आई से नो देन शायद यू you नो know, वो मुझे बहुत गंदा इंसान सोचेगा एंड यही सब सोच के सोचते हैं चलो यार कर देते हैं गाइस व्हेन यू वांट टू से नो से नो और मैंने भी वही किया उसको बोला आई एम वेरी सॉरी डियर मैंने सॉरी बोला सॉरी इसलिए नहीं बोला की मैंने कोई गलती किया है मैंने सॉरी बोला मैंने क्योंकि मैं उसके एक इच्छा को मैं पूरा नहीं कर पाया इसीलिए मैंने सॉरी बोला आई सॉरी रिया बट मैं नहीं कर सकता अब देखो उस समय वो गुस्से से चला गया लेकिन आज भी वो मेरा दोस्त है और मुझे आज भी अपने डिसीजन पे गर्व है कि मैं मेरे को जब करना होगा मैं करूंगा जब मुझे नहीं करना होगा इन्वेस्टमेंट सामने वाला रो रहा है तो मैं कर दू ऐसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए बाहर की छोड़ो घर में जब बहुत लोग आपको बहुत कुछ बोलेंगे शादी कर लो शादी कर लो और कुछ लोग बोलते हैं मैं तो ना नहीं बोल पाई सर और शादी कर लिया माय गॉड ये तो इन्वेस्टमेंट का बात था आपने शादी सामने वाले को ना नहीं बोल पाया बोल के शादी कर लिया आपने थिंक अबाउट मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ डोंट से येस वेन यू वॉन्ट टू से नो जब आप नो no बोलना है ना तो सामने वालों को एकदम एकदम आराम से हंसते हंसते सॉरी बोल के बोलो आई एम वेरी सॉरी मैं नहीं कर सकता प्लीज डोंट माइंड मैं नहीं कर सकता और ये लोग वही बोलते हैं जिनका सेल्फ स्टीम हमेशा हाई होता है देखो अब आप बोलोगे सर वो क्या सोचेगा वो तो ऐसे भी सोचेगा वैसे भी सोचेगा उसको सोच के फायदा नहीं है मेरा सेल्फ स्टीम बोलता है आई डोंट नीड दैट सो आई विल नॉट टेक दैट ये सब कीजिए आई एम टेलिंग यू वन मंथ में भी अगर ये सब आप एक एक करके स्टेप लेके यू चेंज योर सेल्फ यू विल फील ट्रोमेंडस चेंज इन योर लाइफ बिकम अ पॉजिटिव सेल्फ टॉकर अपने साथ हमेशा पॉजिटिव बात कीजिए सुभाष आई कैन डू इट हो जाएगा टेंशन मत ले सब ठीक हो जाएगा हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बात कीजिए सेल्फ टॉक सेल्फ टॉक इज वेरी डेंजरस क्योंकि सेल्फ टॉक अगर आप पॉजिटिव कर रहे हो तो बहुत अच्छा है अगर आप सेल्फ टॉक नेगेटिव कर रहे हो देन इट इज गोइंग टू रिन योर लाइफ आपके लाइफ को खत्म कर देगा बहुत लोग हैं वो लोग सोचते हैं मेरे से नहीं होगा आई कॉन्ट ग्रो आई कॉन्ट सक्सीड आई कान स्पीक इन इंग्लिश मैं, मैं सबके सामने तो बोल देते हैं क्या करना है? हाथ स्माइल करना है अरे नहीं होता स्माइल मेरे से सो मेनी पीपल से सर को तो इंग्लिश बोल सर तो इंग्लिश में कुछ बोलते ही नहीं कि इंग्लिश क्या करना है हैं खाली बोलते हैं इंग्लिश बोलने के समय थोड़ा स्माइल करो थोड़ा जेस्टर दिखाओ यार यार नहीं होता मैं इंग्लिश से इतना इतना डरा हुआ होता हूं कि स्माइल निकलता ही नहीं है सो so, ये बहुत लोग ना अपने में बात करते हैं यार इतना आसान है क्या स्माइल करना कुछ अच्छा हुआ नहीं टॉक अच्छा जाता तब स्माइल करता सो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जो अपने आप को बोल रहे हो ना बहुत लोग मनी मन में बोलते हैं कुछ लोग बोल बोल के बोलते हैं बोल के बोले नहीं आई कैन डू इट आई कैन स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल ओके स्माइल ही तो करना है आई विल स्माइल डोंट वरी talk positive with yourself talk positive with yourself step number 5 just be happy for attracting happiness it is called reticular activating system just be happy for attracting happiness जस्ट बी हैप्पी फॉर अट्रैक्टिंग है आप एक चीज देखोगे सपोज कभी हम लोग मॉल्स वगैरह में जाते हैं कोई ड्रेस अगर हम लोग लेते हैं और वो ड्रेस को एक बार हमने पहन लिया आप देखोगे आफ्टर वेरिंग द ड्रेस वैसा ही ड्रेस आपको और भी लोग पहनते हुए दिखेंगे आपको मार्केट में I don't know, आप, आपके साथ हुआ है कि नहीं लेकिन मेरे साथ हुआ है। जब मैंने पहली बार एक कार खरीदी थी तो होंडा अमेज उसके पहले मुझे अमेज दिखा नहीं मैं शोरूम में गया अमेज लिया अमेज कार लेने के बाद मैं मार्केट में मतलब मैं रास्ते में और अमेज गाड़ी देख रहा हूं अरे वाह आप बताओ क्या मेरे खरीदने से पहले वो गाड़ी नहीं थी रास्ते में जरूर थी लेकिन कभी मैंने फोकस किया ही नहीं था लेकिन जब मैंने खरीदा उस गाड़ी को तब मेरी फोकस उस गाड़ी में गई और मार्केट में और रस्ते में मुझे वही गाड़ी ज्यादा दिख रही थी वही बात है जब आप अपना फोकस पॉजिटिव में करोगे आपको और पॉजिटिव दिखेगा सामने आप जितना पॉजिटिव सोचोगे आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा बहुत लोग यू uh, नो you know, अगर मैं बोलूं आप लॉटरी लोगे तो क्या लॉटरी लग जाएगी आपकी आप लोग बोलोगे कि नहीं लगेगी यार लॉटरी लगना क्या इतना आसान है उसको थोड़ा पॉजिटिवली बोलिए जरूर लगेगी जरूर लगेगी अगर मैं लॉटरी खरीदता गया खरीदता गया एक दिन मेरी भी लॉटरी लगेगी जरूर लगेगी सो यू दैट आप जब फोकस जिस पे करोगे आपको वही दिखेगा आप पॉजिटिव में फोकस करोगे तो पॉजिटिव दिखेगा आप नेगेटिव में फोकस करोगे तो नेगेटिव दिखेगा इस चीज को कभी ना भूले